आपने ऐसे हाइलाइटर देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा हाइलाइटर है जो आपको तुरंत क्लास का टॉपर बना सकता है। और ये कौन सी इलीगल टेक्नोलॉजी आने वाली है जिससे सिर्फ आप अपनी छोटी उंगली का इस्तेमाल करके एग्जाम में चीटिंग कर सकते हो। भाई वीडियो इतना मजेदार है ना कि आप एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहोगे। तो इस वीडियो को 3 घंटे तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार देना। 1, 2, 3 आपने कर दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 15, स्मार्ट नोटबुक। नॉर्मल नोटबुक्स तो हम सब यूज करते हैं, और कुछ स्कूल होंगे जहाँ पर अभी से ही टैबलेट का इस्तेमाल होता है, और फिर किसी ना किसी तरीके का डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है नोट्स को कॉपी करने के लिए। सबसे कॉमन फोन या फिर टैबलेट ही होते हैं, पर स्मार्ट नोटबुक बिल्कुल नोटबुक की तरह होगा, लेकिन आप इन नोट्स को डिजिटली सेव कर सकते हो। और बिल्कुल जैसे आप किसी नोटबुक में लिख रहे हो वैसे ही ये फील आएगा, और इसमें आपको बार बार न्यू नोटबुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पेज गंदे नहीं होते बल्कि डिजिटली सेव हो जाते हैं, और फिर आप इसे रब करके फिर उसी पेज पर लिख सकते हो। पर हाँ, ये एक्सपेंसिव तो होंगे। नंबर 14, स्मार्ट पेन। कई तरह के स्मार्ट पेन मार्केट में ऑलरेडी आते हैं, जिसमें से कुछ तो नॉर्मल है जैसे कि इसमें टाइम दिखाता है और यही सब। ये चीजें उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, पर कुछ स्मार्ट पेन है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि कुछ स्मार्ट पेन आपके लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो ऑडियो की तरह आपके पेन में रिकॉर्ड होने लगता है, और उसके बाद आप जो लिख रहे हो ये पेन उसको भी सिंक कर देता है, और ऐसे आप ज्यादा एक्यूरेटली नोट को कॉपी कर सकते हो। और यही नहीं, इसी के साथ आप लेक्चर्स को रिपीट सुन भी सकते हो रिवाइज करने के लिए, और उस दौरान नोट्स को पढ़कर आप और भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। नंबर 13, डिजिटल हाइलाइटर। नॉर्मल हाइलाइटर तो आपको पता ही होगा कि आप ब्राइट कलर से किसी भी पार्ट को हाईलाइट करते हो, और फिर जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको याद आ जाता है कि टीचर ने इसे इम्पोर्टेंट कहा था, तो इसे मैं अच्छे से लर्न कर लेता हूँ। लेकिन वही जो डिजिटल हाइलाइटर है वो नोट्स को या फिर किसी भी चीज को डिजिटलाइज कर देता है, कि अगर आपको लगता है कि ये चीज इम्पोर्टेंट है या फिर अगर आपको किसी नोट को कॉपी करना है, तो इस हाइलाइटर से आप उस पर बिल्कुल किसी नॉर्मल हाइलाइटर की तरह मूव कर सकते हो, उसके बाद वो डिजिटलाइज हो जाता है। ये यूजुअली आपके टैबलेट या फिर किसी भी चीज से कनेक्टेड होता है, और वो सारे के सारे रिटन फॉर्मेट या फिर बुक की चीज ऑनलाइन नोट्स बन जाती है। इसमें आप इम्पोर्टेंट चीजों को कलर भी कर सकते हो, लेकिन हाँ वो भी डिजिटली। नंबर 12, स्मार्ट बैकपैक। स्मार्ट बैकपैक में ब्लूटूथ ट्रैकर, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और कई सारी चीजें तो होंगी, पर उसी के साथ बायोमेट्रिक भी होगा, यानी कि आपके बैग को खोलने के लिए आपका बायोमेट्रिक चाहिए होगा, और इसी के साथ ये काउंट भी कर सकता है कि आपने बैग में कितनी चीजें डाली है और कितनी चीजें निकाली है। नंबर 11, VR हेडसेट। आपको बोरिंग से हिस्ट्री लेक्चर तो याद ही होंगे जो कई बार हमें सोने तक मजबूर कर देते हैं, और वही जब हिस्ट्री के ऊपर बनी हुई फिल्म देखते हैं तब बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते। अब ऐसे में ये VR हेडसेट पढ़ाई में काफी चेंज ला सकता है। इमेजिन करो आप किसी स्टोरी या फिर हिस्ट्री जैसी चीज पढ़ रहे हो, और पढ़ने की जगह पर आप इन चीजों को विजुअली देख सकते हो, बिल्कुल जैसे उस मोमेंट के दौरान आप वहाँ पर ही मौजूद हो। ये VR हेडसेट कुछ यही करने में सक्सेसफुल होता है, और इसीलिए इसकी मदद से पढ़ाई या फिर किसी भी चीज को इमेजिन कर पाना आसान होगा, और अगर इमेजिन हो रहा है तो आपको आसानी से लर्न भी हो सकता है। नंबर 10, स्मार्ट वाटर बॉटल। जल्द ही लोग वाटर बॉटल भी स्मार्ट यूज करने लगेंगे। एक टाइम था जब हम कोको कोला या लिमका की ही बॉटल लेकर जाते थे, पर अब बच्चे स्मार्ट वाटर बॉटल यूज करेंगे। ये वाटर बॉटल बताती है कि आपने दिन में कितना पानी पिया है, आपको कितना पानी पीना चाहिए, और पानी पीने का टाइम हुआ या नहीं, यानी कि ये आपको याद भी दिलाएगी कि अब आपको पानी पी लेना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साइंटिस्ट और एक चीज डेवलप करने में लगे हैं, वो है सेल्फ क्लीनिंग वाटर बॉटल, यानी कि एक ऐसी वाटर बॉटल जो कि खुद को ही साफ कर सकती है, और आपको रेयरली कभी इसे धोना पड़ेगा, और ये पानी फिल्टर भी कर देगी। नंबर 9, ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लोब। इमेजिन करो जियोग्राफी पढ़ने के लिए आपको सारी जियोग्राफिकल लोकेशंस, रॉक्स और माउंटेन्स, ये सारी चीजें विजुअली दिखाई जा सके। ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लोब कुछ ऐसा ही करता है, आपको इसकी मदद से सारी चीजें सच में दिखाई जा सकती हैं, और इसकी वजह से आप सारी चीजें और भी ज्यादा अच्छे से ग्रैस्प कर पाओगे, और आपका कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा अच्छे से ग्रैस्प होगा आप उतने ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और चीजों को लर्न कर पाओगे, और इसी वजह से ये ग्लोब काफी यूजफुल हो सकता है जियोग्राफी या फिर किसी भी टाइप की कल्चरल लैंड फॉर्मेशन को बताने के लिए। नंबर 8, होलोग्राफिक डिस्प्ले। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी अब एक ऐसी चीज है जिस पर कई सालों से अच्छी खासी रिसर्च हो रही है, और अब होलोग्राफिक इमेज काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, और आप इसे काफी सारी चीजें कर सकते हो, जिसमें से एक है पढ़ाई। पढ़ते हुए अगर हमें कोई चीज एकदम रियलिस्टिकली दिखती है तो इसे याद रखना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि विजुअल लर्निंग सबसे बेस्ट लर्निंग में से एक होता है, और इसीलिए ही होलोग्राफिक डिस्प्ले काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। और इसी के साथ होलोग्राफिक डिस्प्ले की मदद से टीचर एक जगह पर खड़े रहकर अलग अलग जगह पर पढ़ा सकता है, इवन वर्क फ्रॉम होम करते हुए। नंबर 7, ब्लूटूथ ट्रैकर। सामान चोरी होना काफी ज्यादा कॉमन है, खासकर स्कूल में, तो वही जो ब्लूटूथ ट्रैकर है वो बहुत सारा यूजफुल है। इन ट्रैकर्स को आप कई सारी चीजों में रख सकते हो, जैसे कि सबसे कॉमन चीज
चीज आपके बैग में या फिर किसी स्पेसिफिक बुक या फिर कोई भी एक चीज में जो कि आपको लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अगर किसी ने चोरी किया है या फिर अगर वो आपकी गलती की वजह से गुम गया है तो ब्लूटूथ ट्रैकर की मदद से आप उसे आसानी से ढूंढ सकते हो और ऐसे आपको अपनी चीजें घुमाने की चिंता नहीं रहेगी। नंबर 6, AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कई ट्रांसफर स्टूडेंट होते हैं या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं तो उनको लैंग्वेज को लेकर काफी दिक्कत होती है और इसी वजह से कई लोग पढ़ने नहीं जा पाते, पर AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसी चीज है जो कि ट्रांसफर स्टूडेंट या फिर किसी दूसरे देश के स्टूडेंट को रियल लाइफ में लैंग्वेज ट्रांसलेट करके बताएगी। यानी कि सामने वाला व्यक्ति कोई भी लैंग्वेज में क्यों ना बोल रहा हो, आपको आपके द्वारा प्रिफर्ड की गई लैंग्वेज में ही सुनाई देगा, वो भी एकदम एक्यूरेट ट्रांसलेशन के साथ। नंबर 5, हेल्थ मॉनिटर, हेल्थ बैंड या फिर हेल्थ बेल्ट कुछ कॉमन चीज है जो कि फ्यूचर में बच्चे स्कूल जाते समय यूज कर सकते हैं हेल्थ मॉनिटर करने के लिए। यार पढ़ते समय बस दिमाग ही नहीं बल्कि फिजिकल फिटनेस और इन सब चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है कि बच्चे की हेल्थ कैसी है, और इस वजह से हेल्थ मॉनिटर काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। उससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि बच्चे की हेल्थ कंडीशन कैसी है। इसका डाउनसाइड ये भी है कि हेल्थ मॉनिटर पहनने के बाद आप झूठ मूठ का बीमार होने का नाटक नहीं कर पाओगे। नंबर 4, जेस्चर कंट्रोल प्रेजेंटेशन। स्कूल में या फिर कॉलेजेस में जेस्चर कंट्रोल करते हुए प्रेजेंटेशन देने का सिस्टम ही चल जाएगा। यानी कि प्रेजेंटेशन देते हुए आपको अपने हाथ में रिमोट या फिर ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि आप अपने जेस्चर से ही स्लाइड को या फिर अपने प्रेजेंटेशन को मूव कर सकते हो और ऐसे आप और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल और अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाओगे। और एक ऐसी चीज है जो बस स्कूल कॉलेज के लिए ही नहीं बल्कि हर एक सेक्टर में जल्दी जेस्चर कंट्रोल प्रेजेंटेशन मशीन आ जाएंगी ताकि प्रेजेंटेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, और इससे और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद बस आप अपनी उंगली से कुछ भी कर सकते हो। नंबर 3, 3D प्रिंटर। ये शायद अभी तो नहीं पर फ्यूचर में जरूर यूज होगा। स्कूल्स में 3D प्रिंटर काफी इंटरेस्टिंग चीज है। नासा जैसी कंपनी भी इसका यूज करती है किसी न किसी पार्ट को 3D करने के लिए। इमेजिन करो आप किसी चीज को भूल गए हो लेकिन फिर आपको बाहर जाकर खरीदने की जगह पर आप उसे 3D प्रिंट कर लेते हो स्कूल में बैठकर। हाँ भाई, ये जल्दी पॉसिबल होगा। आजकल काफी ज्यादा स्पीड 3D प्रिंटर भी आते हैं जो कि बहुत ज्यादा जल्दी किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं। आपको बस उसके अंदर का मॉडल डालना होता है और वो आपको एकदम वर्किंग क्लास प्रिंट कुछ ही घंटे में बनाकर दे देगा। नंबर 2, ब्रेन वेव सेंसिंग हेडसेट। ये आपके ब्रेन वेव को सेंस करके आपके ही फोकस को इंक्रीज करेगा। ये काम है ब्रेन वेव सेंसिंग हेडसेट का। और हाँ, ये बस एक मिथ नहीं बल्कि चाइना जैसी जगह पर इसका यूज होना शुरू हो चुका है। ये आपके ब्रेन पर फोकस करता है और ये भी बताता है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो भी या नहीं। पर हाँ, ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा जो कि अच्छा नहीं है। नंबर 1, नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स। इसका इस्तेमाल पढ़ाई के दौरान करते हैं कुछ लोग, लाइब्रेरी में तो कुछ लोग क्लास में इसका यूज करते हैं। इन हेडफोन्स को लगाने पर नॉइस कैंसिल हो जाता है और चाहे आप इनके अंदर गाना बजाओ या फिर ना बजाओ उसके बाद भी ये आपके सराउंडिंग को काफी ज्यादा कम कर देगा और ऐसे ही ये आपके फोकस को इंक्रीज कर सकता है क्योंकि जब चीजें शांत होती है तो हम पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। और यही वजह है कि कई लोग लाइब्रेरी में जाना पसंद करते हैं पढ़ाई करने के लिए क्योंकि वहाँ पर शांति होती है। और इस हेडफोन की मदद से आप यही सेम चीज क्लासरूम में भी कर सकते हो। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि ये जो चौकोस आप जो इतने मजे से खाते हो ये पहले ऐसी क्या चीज बनाते थे जो आपको ठंड में बहुत काम आता है? और ये कौन सी बाइक कंपनी है जो शादियों में बारात का काम करती थी? भाई इस वीडियो में ऐसे ऐसे चीजें ना जिस पर आप मजबूर हो जाओगे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो इस वीडियो को अब भी दबाओ यार, और हाँ, ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।